बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। इस दुआ उम्मीद के साथ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे। आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। आमिस कोई दोस्त मेरे चैनल पे आया है तो फटाफट से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ये जनाब जो पौधा हमारे घर लगा हुआ है हवेली वाली साइड पे है, क्योंकि दीवार के इस साइड पे हमारा घर है और इस साइड के पार यानी कि हवेली है। तो इस पौधे का नाम तो नहीं पता, लेकिन जो है ना फूल ऊपर बहुत ही प्यारे जो है लगे हुए हैं माशाल्लाह से। इतना सा जो है ना ये व्यू बड़ा ही प्यारा लग रहा है, तो इसलिए जो है मैंने आज पौधे के पास खड़े होकर अपनी वीडियो शुरू की है। तो ये फूल देख दिल करा ये जो है ना मुरझाए नहीं, ऐसे ही रहे, लेकिन जो है ना कुछ अंदर से मुरझा भी रहे हैं जाहिर अपने टाइम के साथ। ये जा करें कुछ जो है साथ साथ मुरझा रहे हैं। तो इस पौधे का मुझे नाम नहीं पता, अगर किसी को पता है तो कमेंट में बताइएगा। बस प्यारा लग रहा है माशाल्लाह से, चेक करें जैसे गुलदस्ता सा जो है ना बना हुआ है एक जगह पे। और मौसम की अगर बात करें आज गेहूं के मौसम की, तो माशाल्लाह से गेहूं का मौसम जो है ना इतना मजे का ना, आज इतना मजे का मौसम है, सही बात है। बिल्कुल हल्की हल्की मजेदार से जो है ना हवा चल रही है, बादल जो है ना छाए हुए हैं, बने हुए हैं, सूरज जो है कहीं भी दूर दूर तक जो है ना नजर नहीं आ रहा। तो सही ऐसा मतलब ना सही आज फुल सर्दियों वाले कह लें कि फीलिंग जो है ना आ रही है, जैसे धुंध पड़ती है सुबह सुबह धुंध होती है। तो मतलब दिसंबर या फिर जनवरी में जाके जो है ना मतलब जब धुंध पड़ती है तो तकरीबन 10-11-12 बज जाती हैं जो है ना गाँव में, अभी तक जो है धुंध नहीं उतरी होती, फिर आहिस्ता आहिस्ता उतरती है। तो इस तरह जो है ना थोड़ा कुछ मौसम होता है, तो आज बिल्कुल जो है ना उस तरह की फीलिंग आ रही है। तो सूरज जो है ना बिल्कुल एक दो दफा जो है ना बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा नजर आया, नहीं तो सुबह का जो है ना रात के सही फुल बादल बने हुए थे। तो अभी जो है ना हवा चल रही है, बारिश का तो थोड़ा बहुत सीन लग रहा है, लेकिन ऐसे रहे तो सही है, बारिश की जो है ना अभी जरूरत नहीं है। बारिश फसलों को भी अभी मेरे ख्याल में नहीं है, क्योंकि अभी वो फसल पक गई हुई है, धान की जो रहती थी। तो वैसे भी जो है ना इस तरह का मौसम अभी सही है, ज्यादा ठंड की जो है ना अभी जरूरत नहीं है। टाइम हुआ है 11:30 बजे का, आज 9 नवंबर है। तो 9 नवंबर की जनाब आपको पता है छुट्टी है, तो बच्चों का छुट्टी है, तो बारिश जो है ना काफी ज्यादा मतलब हल्की हल्की आवाज आ रही है। तो घर बैठे जो है ना मतलब जब बच्चों के साथ आवाजें आती है ना ऐसे शोर की गूंजती गूंजती, तो बड़ा जो है ना मजा आता है। तो बच्चे जो है ना खेले, आज इतने बच्चे तो नहीं है, कुछ जो है ना वो उस साइड पे, ये हमारे घर हवेली की दीवार के पिछले साइड पे जो है खाली जगह है, डेरा बोलते हैं उसे, उधर बच्चे खेल रहे हैं, थोड़े थोड़े नजर आ रहे हैं। तो कुछ जो है ना यहाँ पे खेल रहे हैं, छुट्टी जो है ना अपनी इंजॉय कर रहे हैं, मुर्गियां भी इंजॉय कर रही हैं खेत में, वो दूर बतखें, और यहाँ जनाब डेयरी फार्म में जो है ना भैंसे वगैरह बैठी हुई हैं। जब हम घर की छतों पे मट्टी वगैरह लगा रहे थे ना, बनाई थी मैंने वीडियो, आप लोगों ने देखी होगी। तो मट्टी लगाने के बाद जो है ना एक बारिश मतलब हुई है रात को, काफी ज्यादा जो है ना मतलब इस रात को नहीं, मतलब जब हमने मट्टी लगाई उसके बाद जो है ना एक बारिश मतलब होगी हुई है, वो हुई थी रात को, ज्यादा बारिश जो है ना हुई थी मट्टी लगाने के जो है ना ठीक 2 या 3 दिन बाद आई थी। तो ये जो बच्चे खाने का छत है ना, ये देख लें, चेक कर लें, थोड़ी ना वो तूरी जो अंदर होती है वो थोड़ी मतलब पानी के बारिश के साथ जो है ना वो ऊपर आ गई हुई है। लेकिन ये वाला जो हमारा छत है ना, इसके ऊपर मट्टी लगा के ना, तो साथ ऊपर जो है ना गोती जिसे बोलते हैं, वो भैंसों का गोबर लेके ना ऊपर लगाते हैं, वो भी अम्मी जी ने लगाया था। वो इसलिए कि जो धान की फसल है चावल, वो मुंजी जो है ना जिसे हम बोलते हैं, वो हमने ऊपर सुखाया करनी है, तो अम्मी जी ने इसलिए बोला था कि मट्टी के ऊपर जो है ना ये लगा देते हैं, ये गोती जिसे हम बोलते हैं पंजाबी में, तो जो है ना बारिश आएगी तो ये खराब होगी, मट्टी खराब नहीं होगी। तो ये छत चेक कर लें कितना साफ है, तो ये जो है ना इसका थोड़ा वो हो गया है ऊपर, तूरी जो है ना उठ के ऊपर आ गई हुई है, बाकी ये बिल्कुल सही है। इस मौसम में आपको पता है दिल करता है कुछ ना कुछ बंदा खाए बना के, तो हमारे घर में जो है ना मैंने ही जहमत करनी है बनाने की, तो मैं जो है ना नहीं करूंगी, क्योंकि गर्म चीजें खा के सही बात, इन दिनों वैसे भी मेरी तबीयत बहुत खराब है, सर को पता नहीं क्या मसला बन गया हुआ, इन दिनों फिर जो है बहुत ज्यादा जो है ना दर्द कर रहा है। तो मैं जो है ना यहाँ आई थी मंकी के पास जाकर, थोड़ी वीडियो बनाते हैं, तो मंकी जनाब इधर है ही नहीं है मेरे ख्याल में, आमिश लोग करे हैं बाहर काम, तो वो अपने साथ जो है बाहर खेतों में ले गए हुए हैं, उसे खुद नहीं लेके जाते, अम्मी जी ने बोला था कि इसे साथ साथ रखा करो, मतलब जब खेतों में जाते हो वहां काम करते हो ना साथ किसी लेके जाया करो, ये देख के मतलब इसको आदत हो, अगर मतलब इसको खुला भी छोड़ देंगे तो इसे आदत होगी कि मैंने जो है यहाँ पे रहना है, तो आपके साथ वो देखेगी मतलब ये काम करते हैं ये वो इस तरह। तो मैं ये तो इधर नहीं है, मैं बता रही थी कि मैं जो है ना जहमत नहीं करी, क्योंकि गर्म चीजें खा के ना मेरी शक्ल जो है ना पहले बहुत बहुत ज्यादा खराब होगी, ये सही बात है। ये चेक करें, एक सामने भी ये नजर आ रहा होगा, ये
पिंपल जो है ना बन गए हुए हैं काफी ज्यादा। तो मौसम ऐसे मजे है क्या, लेकिन मैं हिलजुल नहीं करूँगी क्योंकि मैंने की ना, फिर जाहिर है बंदा फिर दिल कर ही पड़ता है खाने का। तो जो है ना ये गलती हम नहीं करेंगे, मौसम को जो है ना ऐसे ही हम काम शाम करके जो है ना हम मौसम इंजॉय करेंगे। टाइम अभी हुआ है पूरे 2 बजे का, सुबह से जो है ना काम 2 बजे ने कितने जाना है, तब से जो है ना हम ऐसे ही बैठे हुए थे बिस्तरों में। बाहर तो जो है आपको बताया था, दिखाया था मौसम जो है ना हल्की हल्की ठंड है। तो ये जो है ना कल अम्मी बाजार गए थे, तो वहां से जो है ना ये लेके आए थे पापड़। हम बोलते हैं इनको पापड़, या फिर फुले फुले बोलते हैं, लेकिन पापड़ बोलने का जो है ना ज्यादा मजा आता है। कलरफुल है, कुछ सिंपल भी होते हैं, सिर्फ वाइट। तो कढ़ाई में जो है ना यहाँ पे मैंने घी गर्म करके रख लिया है। ये ऐसे आग पास सेट होकर बैठ जा, सिस्टे खाना है। पीछे पीछे मुझे हाथ धोने जाना पड़ना है फिर पीछे। तो घी को पहले जो है ना हम अच्छे से गर्म कर लेंगे, फिर जो है ना ये करेंगे फ्राई इसमें। क्या वापिस रखो, मार पर नहीं है बरी। एक बांची मेरे पास आग बैठ गई है, अहमद जो है ना पीछे से आपको आवाज आ रही होगी, अम्मी लोग वीडियो देख रहे हैं, हम जाके उधर बैठा, उससे नहीं अभी पता खाने वाली चीज बन रही है। अच्छे बच्चों की तरह बैठोगे फिर मिलनी है, ठीक है? ओके ओके बोलो ना, ओके बोलो जोर से, आ जाओ आप भी। अजान हो रही चुप। आप दोनों उठो यहाँ से, इधर आके बैठो, ऊपर गिर जाना है अहमद, उधर वो दीवार के साथ बैठ जो, दोनों देती हूँ फिर मारूंगी, फिर मैं इधर छींटे ऊपर पड़ेंगी। ऐसे कलर कितना तेज है, जब यहाँ पे हो जाते हैं ना फ्राई, फिर थोड़ा लाइट कलर हो जाता है इनका। मुझसे नीचे गिरते जा रहे हैं, अभी गर्म है, ठंडे होते हैं ना जन्नत, फिर देती हूँ, ठीक है? ठीक है, क्या कह रही थी, कौन बना रहा है पापड़ है जन्नत? नहीं, ये कुछ और कह रही थी, कौन खाला, कौन सी खाला, मैं कौन, मेरा नाम क्या है? जैनी दा कुछ लगता, अभी गर्म है ठंडे होते हैं फिर खाना। पापड़ मैं निकाले हैं, बिल्कुल थोड़े से निकाले हैं, क्योंकि खुद तो मैंने खाने नहीं थे, बस बच्चों के लिए निकाले हैं, अनीस के लिए भी रखने हैं, ठीक है? क्यों नहीं जन्नत, अनीस के लिए भी रखने हैं। खा के बताओ किस तरह के हैं, मजेदार। रेड
पहले मैं कह रही थी कि मेरा कोई मूड नहीं कुछ भी बनाने का, मतलब ज्यादातर जो है ना माइंड जाता है पकौड़ों की तरफ ही जो है ना, या फिर वो पोटैटो चिप्स बना लो। मैं बता रही थी मेरा जो है ना उन चीज़ों की तरफ अभी कोई माइंड नहीं। तो मेरे जो है ना हमारे घर में बच्चे हैं, मतलब ना अरमान का तो आपको पता चला गया वापस, अहमद तो इधर ही है, उसके बाद जो है ना अरमान लोग गए हैं, तो दूसरी सिस्टर जो है ना मेरी आ गए हैं, उनके जो है ना माशाल्लाह से दो बेटी हैं, अहमद की मामा से बड़ी हैं मेरी सिस्टर, वो अभी जो है ना आए हैं, उनकी दो बेटियाँ हैं अहमद और दो वो तीन। तो मैंने कहा खुद तो कुछ नहीं खाना, बच्चे हैं तो इनको जो है ना थोड़ा बहुत कुछ बना के देते हैं। तो मैंने देखा वो पापड़ ही पड़े हुए थे, मम्मी जी लेके आए थे काफ़ी दिन के, तो मैंने कहा चलो इनको जो है ना यही बना के देते हैं, थोड़ा आरे शारे जो है ना इनको लगाते हैं। तो वो जो मेरी भांजी मेरे पास बैठी हुई थी जिसका नाम मैं जन्नत ले रही थी, वो जो है ना कभी शुरू शुरू में मुझे बड़ा शौक होता था कि मुझे कोई खाला बोले, लेकिन ये जो अहमद है मेरी भांजी है, ये जन्नत जिसका मैं नाम ले रही थी, उसके बाद अरमान अली, इनमें से तीनों ने जो है ना खाला नहीं बोला, नाम ले के बुलाते थे हमें। तो उसके बाद जो है ना दूसरी, मतलब मेरी बहन की जो है एक और बेटी हुई, उसका नाम जो है अनीस है, तो वो जो है ना वो खाला बोलती है, दूसरे सारे जो है नाम ले के बुलाते हैं। तो अब जो है ना वो नाम भी नहीं लेते, अब आप ही कहते हैं ना, खाला कहते हैं ना नाम लेते हैं, आप ही सारे ही आप ही कहते हैं, नहीं अहमद और अरमान बोलता जैनी, लेकिन वो दोनों बहनें जो है ना आप ही बोलती हैं। तो वो मैं कह रही थी कि क्या कह रही थी, मेरा क्या नाम ले रही थी ये। तो यही थी मेरी आज की छोटी सी मजेदार सी वीडियो, यकीनन आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई भी गलती होगी तो माजरत दुआ में याद रखिएगा। जैनी को दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। जो पीछे आवाजें आती रहती हैं ये भाई सब्जियों वाले, आपको पता है गाँव में इस तरह की आवाजें आती रहती हैं, इन आवाजों को जरा इग्नोर कीजिए।